सुपरस्टार सलमान खान अपनी ही फिल्म औजार के सीक्वल में किसके साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे? सोहेल खान के निर्देशन में बनी फिल्म औजार के सीक्वल की कहानी क्या है? सलमान खान के स्टारडम को देखते हुए किस सुपरस्टार की एंट्री इस सीक्वल में होने जा रही है? इस फिल्म को क्यों कहा जा रहा है कि ये फिल्म आराम से 1100 से 1200 करोड़ का बिजनेस कर लेगी? बॉलीवुड की किन 5 अभिनेत्रियों ने चुपचाप शादी कर ली? करण जौहर आजकल किस फिल्म से रोमांस करने जा रहे हैं? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक बार फिर दबंग स्टार सलमान खान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जोड़ी जमाती नजर आ सकती है। वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म औजार का सीक्वल बनाया जा रहा है। सोहेल खान के निर्देशन में बनी फिल्म औजार में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म के सीक्वल में सलमान और शिल्पा की जोड़ी फिर साथ नजर आ सकती है। शिल्पा और सलमान एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। सलमान और शिल्पा ने साथ में गर्व प्राइड एंड ऑनर, औजार, फिर मिलेंगे और शादी करके फंस गया यार में साथ काम किया है। शिल्पा काफी समय से फिल्मों से दूर, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी तस्वीरें और वीडियोज भी शेयर करती रहती है। औजार सुहेल खान द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और अनवर खान द्वारा लिखी गई। फिल्म में सलमान खान, संजय कपूर और शिल्पा शेट्टी की मुख्य भूमिका है। फिल्म दो कॉलेज के दोस्तों की कहानी बताती है जो खुद को फिर से जोड़ते समय कानून के विपरीत पक्ष में पाते हैं। यश ठाकुर यानी कि संजय कपूर और सूरज प्रकाश यानी कि सलमान खान अभिजात दोस्त हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने अलग अलग तरीकों से जाते हैं। यश अपने पिता परेश रावल, भूमिगत माफिया जैसे व्यवसाय से आगे निकलते हैं, जबकि सूरज केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का अधिकारी बन जाता है। यश के पिता पर प्रतिद्वंदी ग्रोह द्वारा हमला किया जाता है और वो अपने पैर का उपयोग खो देता है, जिससे वो व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बन जाता है। इस बीच यश ने अपने प्रेमी प्रार्थना यानी कि शिल्पा शेट्टी से शादी की। अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सूरज को अपने दोस्त यश के खिलाफ जांच सौंपा गया, जो सूरज को झटका देता है लेकिन जिसे वो स्वीकार करता है। यश के आपराधिक पिता के पास कई संपर्क हैं और जल्द ही यश को सूरज की नौकरी और उनके कार के बारे में भी पता चला। सूरज को अब यश को ये समझाना चाहिए, इसी जांच पड़ताल में ये फिल्म खत्म हो जाती है, जो कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पुलिंदा बसा हुआ है इसमें। सोहेल खान शुरुआत में आमिर खान को संजय कपूर की भूमिका के लिए चाहते थे, लेकिन उन्होंने अज्ञात कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया। तब सोहेल ने भूमिका के लिए संजय दत्त से संपर्क किया, लेकिन वो उस समय दाऊद के साथ व्यस्त थे। संजय दत्त के साथ भूमिका के लिए सनी देओल से भी संपर्क किया गया था। काजोल को महिला नेतृत्व की पेशकश की गई, लेकिन इनकार कर दिया। फिर शिल्पा शेट्टी ने ये भूमिका निभाई। यश ठाकुर के रूप में संजय कपूर, सूरज प्रकाश के रूप में सलमान खान, प्रार्थना ठाकुर के रूप में शिल्पा शेट्टी, बाबा के रूप में निर्मल पांडे, पीटर के रूप में जॉनी लीवर, भाई जी के रूप में किरण कुमार, आसिफ शेख इंस्पेक्टर के रूप में श्री रकल श्री ठाकुर यानी कि यश के पिता के रूप में परेश रावल, इला अरुण खुद गीत के रूप में, गीत अपनी तो है एक लाइफ। फिल्मकार विशाल भारद्वाज का कहना है कि वर्तमान में सुपरस्टार लीग से हटकर फिल्में करने का जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन केवल आमिर खान ही साहसी अभिनेता है। अजय देवगन, सैफ अली खान और शाहिद कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ काम कर चुके भारद्वाज ने कहा कि शीर्ष कलाकारों के साथ काम करने के लिए उन्हें एक उपयुक्त कहानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो सुपरस्टार के साथ काम करना चाहते हैं और उनसे संपर्क करते हैं। यदि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली होती तो वे उनकी कुछ फिल्मों का हिस्सा होते, लेकिन वे यहाँ नहीं है। सही विषय का होना जरूरी है। विशाल भारद्वाज ने कहा कि कुछ सुपरस्टार वर्तमान में जोखिम उठा रहे और ये सिनेमा के लिए अच्छा संकेत है। केवल आमिर खान साहसी अभिनेता है जिसने खुद को दंगल के लिए बेहतर तरीके से ढाला। वो अपनी उम्र को समझते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। विशाल अपनी हालिया रिलीज फिल्म पटाखा को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया से खुश हैं। इस फिल्म में दो नए चेहरे सानिया मल्होत्रा और राधिका मदान को पेश किया गया है। विशाल ने स्वीकार किया कि उनके पास उनका एक दर्शक वर्ग है जो उनकी तरह का सिनेमा देखना पसंद करता है। ऐसी अटकलें हैं कि भारद्वाज नेटफ्लिक्स के लिए भी काम कर रहे हैं। इस पर निदेशक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कहा कि आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य है। बॉलीवुड की 5 सीक्रेट शादियां, किसी ने किया धर्म परिवर्तन तो किसी के परिवार को भी नहीं लगी खबर। फिल्मी सितारों की शादी में हो हल्ला तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन कई सितारे ऐसे हैं
जिनकी शादी की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब चाहे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली हो या फिर नेहा धूपिया या अंगद बेदी, जब फैंस को इनकी शादी का पता चला तो विश्वास नहीं हुआ। कई बड़े सितारों की शादी छुप छुपा के हुई। आइए बात करते हैं उन्हीं में से कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में। जॉन इब्राहिम के बिपाशा बासु के साथ रिश्तों के लेकर खूब चर्चा बट हुई, लेकिन उनके शादी करने की बात का किसी को पता तक नहीं चला। प्रिया रुचवाल से उनकी शादी का पता काफी बाद में चला। प्रिया को वो आज भी मीडिया से बहुत बचा के रखते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार थे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से दो बच्चों के पिता थे। ऐसे में दोनों ने एक रास्ता निकाला, इस्लाम धर्म अपनाकर दोनों ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। विनोद मेहरा और रेखा ने की शादी, लेकिन उनके परिवार तक के लोगों को इसका पता नहीं था। हालांकि विनोद मेहरा ने पहले शादी की बात की, बाद में इससे इनकार भी किया। जूही चावला लंबे समय तक जय मेहता को अपना अच्छा दोस्त बताती रही। काफी समय के बाद ये भेद खुला कि दोनों मियां बीबी हैं, यानी दोनों गुपचुप शादी कर चुके हैं। बॉलीवुड की चांदनी कहे जाने वाली दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की दोनों बेटियां जाह्नवी और खुशी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। जाह्नवी ने तो फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया, लेकिन अभी खुशी की बारी है और फिलहाल वो अपनी पढ़ाई कर रही है। लेकिन दोनों बहनों को कई बार पार्टीज में एक साथ देखा जाता है। ऐसे में शुक्रवार रात दोनों डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में नजर आई, लेकिन इस दौरान जाह्नवी छोटी बहन खुशी का मेकअप ठीक करती नजर आई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करने जा रहे राजकुमार राव, अगले साल शुरू होगी दोस्ताना 2 की शूटिंग। 2008 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म दोस्ताना को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और ये बहुत हिट भी हुई। अब इस फिल्म के सीक्वल बनने की खबरें जोरों पर है। बहुत जल्द इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाएगा। खबर है कि इस फिल्म में राजकुमार राव को कास्ट किया जा सकता है। अगर राजकुमार राव इस फिल्म को हाँ कर देते हैं तो धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले उनकी ये पहली फिल्म होगी। फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जिसे इसी महीने के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल की शुरुआत में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। करण जौहर इस फिल्म के लिए नए एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे, इसलिए फिल्म के लिए राजकुमार राव से बात की जा रही। वहीं प्रियंका चोपड़ा की जगह भी किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। वर्ष 2008 में आई करण जौहर के होम प्रोडक्शन की इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अहम किरदार निभाया था। फिल्म का गाना माँ का लाडला बिगड़ गया है और देसी गर्ल काफी लोकप्रिय रहा। इसी के बाद प्रियंका को देसी गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा। मैं अगर सलमान से पूछे बिना फिल्म साइन करूंगा तो मैं बेवकूफ हुआ, ये कहना है आयुष शर्मा का। सलमान खान के बहन के पति आयुष शर्मा ने हाल ही में सलमान खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म लव यात्री के साथ अपना फिल्म डेब्यू किया। फिल्म के गाने अच्छे थे और माना जा रहा था कि शायद इसी के दम पर फिल्म चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लव यात्री आई और फ्लॉप होकर चली गई। आयुष शर्मा ने हाल ही में अपना जन्मदिन मीडिया के साथ सेलिब्रेट किया और कहा कि वो बेवकूफ होंगे अगर सलमान खान की सलाह नहीं मानेंगे। इसने ये भी कहा कि सलमान की सलाह के बिना वो कोई फिल्म चुनेंगे ही नहीं। सलमान खान बॉलीवुड के आधिकारिक लॉन्च पैड बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स नए टैलेंट को लॉन्च करने का जिम्मा उठा चुकी है। उनके प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म हो नोटबुक, जिसे सलमान खान मुनीस बहल की बेटी प्रनूतन और अपने दोस्त इकबाल के बेटे जहीर को लॉन्च करेंगे। वैसे जानिए सलमान खान किस किस के लिए बन चुके हैं लॉन्च पैड। आयुष शर्मा, सलमान खान आयुष शर्मा को काफी समय से लॉन्च करना चाह रहे थे। पहले वो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की रात बाकी में कैटरीना कैफ के साथ दिखने वाले थे। साजिद वाजिद, बी टाउन के चमकते चेहरों के बीच हमारे पास हैं शानदार संगीतकार भाइयों की जोड़ी साजिद और वाजिद, लेकिन इन भाइयों को भी सहारा दिया सल्लू भाई ने। दबंग के गानों को अपना संगीत देकर ये जोड़ी म्यूजिक चार्ट्स के टॉप पर पहुंच गई। सलमान को इन पर इतना भरोसा है कि उनकी हर फिल्म के संगीत के लिए साजिद वाजिद उनकी पहली पसंद होते हैं। हिमेश रेशमिया, बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान और हिमेश का रिश्ता 1998 से है। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का शानदार गाना ओढ़ ली चुनरिया याद है? जी हाँ, इसी गाने के साथ सलमान और हिमेश की दोस्ती एक नए परवान चढ़ी। सलमान की ये फिल्म तेरे नाम के लिए हिमेश को पहली बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड मिला। औजार के सिक्वल में किस बड़े स्टार के होने जा रही है एंट्री, ये अभी तक एक राज है। लेकिन अगर गुप्त सूत्रों की माने तो किसी बड़े स्टार की एंट्री हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि औजार के सिक्वल को 1200 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही।